कह रहे हैं कि अगर इस्लाम की कोई चीज आपत्तिजनक दिखाई जाए और उसका देश भर में दुनिया भर में विरोध हो, आप वही बनना चाहते हैं? वही क्या बनना चाहते हैं? मैं आपकी तरह इस्लामोफोबिक नहीं हूं सुशांत भाई। फिर आपने कमेंट किया, देखिए ये दूसरा आपने दे दिया। एक आपने कहा कि मैं पत्रकार हूं या हिंदू हूं, अब आपने इस्लामोफोबिक बोल दिया। अब मैं तीसरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं जो है वो बहुत कड़ा कड़ा सुनाता हूं विवेक भाई, आपको पता है, तो इसलिए सोच समझ के लेबल लगाइए। मैं आपको लेबल लगाना शुरू करेंगे आपको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मुझे इस्लामोफोबिक और वगैरह वगैरह फालतू की बात ना बोलिए। अब अपनी बात कीजिए। अच्छी बात है, अब आप सुनिए। आप, मैंने आपको इस्लामोफोबिक इसलिए बोला सर। नहीं नहीं मुझे नहीं बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा, बात खत्म। मैं इस्लामोफोबिक नहीं हूँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आगे की बात बोलिए। आपके आपके शो पे बैठ करके संगीत रागी खान ब्रदर्स कर रहे हैं, आपसे बोला नहीं गया, रोका नहीं गया। और आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप है इस्लामोफोबिक। जब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप है इस्लामोफोबिक। आप दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनके जैसा बनना चाहते हैं जो आतंक फैलाते हैं, आप है इस्लामोफोबिक। समझे? मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपके लेफ्ट विंग ने जितना मुसलमानों का इस्तेमाल किया है ना, और सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो सब बंद कीजिए। आप लोग इस देश के मुसलमान को समझना चाहिए कि कैसे उसको यूज किया है आप लोगों ने। इस्लामोफोबिक बता रहे हैं आप लोग, इस्लामोफोबिक। मैंने कोई इस्लामोफोबिक बात नहीं, संगीत रागे बैठ करके यहाँ उगल रहे हैं। क्या उगल रहे हैं? क्या उगल रहे हैं? आप कह रहे हैं रावण को जो मन दिखाओ, आप कह रहे हैं हनुमान को जो मन पहनाओ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और वो खान ब्रदर बोल रहे हैं तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? आप सुशांत सिन्हा को बोलते हैं इस्लामोफोबिक, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मुझे पहले डिफाइन करके बताइए ना, उनके जैसा बनना चाहते हैं इसका लाइन का क्या मतलब है? जवाब नहीं निकल रहा ना, हिम्मत नहीं आ रही बोलने की। यही हिंदुओं को बोलना होता तो तुरंत निकल जाता मुझसे। फिर आप हिंदू वर्ड पे आ जाते हैं, आप लोग करते हैं और क्या करते हैं? हिंदुओं को कौन क्या करता है भाई, तो बताइए ना क्या लाइन थी कि उनके जैसा बनना चाहते हैं? किसके जैसा और क्या? आतंकवादी जैसा। तो आप मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? उनको मतलब किसको? वो जो बायकॉट करते हैं, जो बायकॉट करते हैं मुसलमान। पर मुसलमान तो बायकॉट नहीं करते, मुसलमान के ऊपर तो फिल्म ही नहीं बनी। हम तो कह रहे हैं जो मारकाट करते हैं वो गलत है, हाँ, जो बायकॉट करते हैं, हाँ, तो जो मारकाट करते हैं उनको उनको आप कह रहे हैं उनके जैसे बनना चाहते हैं आप? इस्लामोफोबिक। अब संगीत रागी अपनी बात कीजिए, संगीत रागी अपनी बात कीजिए। इनको मैंने कायदे से पब्लिक को मैं दिखाना चाहता था, इनका चेहरा यही है, लेफ्ट का चेहरा यही है। अब समझ में आया, जब मन आएगा ये मुसलमान मुसलमान करेंगे, जब मन आएगा उनके जैसा बनना चाहते हैं पे आ जाएंगे। अब संगीत रागी बात पूरी कीजिए। सुशांत जी देखिए, कला का मतलब होता है कि एक बेहतर दिखाना। आप किसी को भद्दे रूप में दिखाने के लिए, इसीलिए तो सवाल ये पूछा जाता है कि मकबूल फिदा हुसैन जितना नग्न तस्वीर हिंदू देवी देवताओं के लिए बनाया, इस्लाम के एक कैरेक्टर को बना करके दिखा देते और फिर हम जानते कि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। तब सरतन से जुदा किनारे लगते और हो सकता था कि उन सर के तर्न से जुदा हो भी जाता। एक राष्ट्रपिता बोल देने से और राष्ट्र ऋषि बोल देने से मुस्लिम समाज के अंदर कितनी उत्तेजना फैली वो देखने लायक है। और यदि उनके उनके प्रतीकों को यदि गलत तरीके से दिखा देते या क्रिश्चियनिटी के प्रतीक से, एक एक शिक्षक ने प्रॉफिट पर क्वेश्चन पूछ लिया केरला में तो उसका हाथ काट दिया गया, कल कोई बात कर देगा तो उसका गला काट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू देवी देवताओं के आप भद्दे प्रदर्शन करते रहिए। ये तो उसी दिन से शोले के जमाने से ही है कि अब्दुल जो है वो तो बड़ा जान देने वाला है इस देश पर, जान बेशक नहीं दिया हो लेकिन एक ब्राह्मण का जब चरित्र चित्रण किया जाता है तो वो चुरकी ऐसे सिखा के साथ वो चोर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमोहन जी एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड रागी जी अपनी बात खत्म करें फिर। देखिए सुशांत जी, मैं भी उस संवेदना के साथ हूं जिस प्रकार की आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा करता हूं कि हिंदुओं की भावनाओं के बारे में जब लोग उसका विश्लेषण करते हैं कि नहीं ये कला के खिलाफ है, क्रिएटिविटी है, इस पर हाय तौबा क्यों मचा, तब मैं उनसे ये सवाल करता हूं
कि जितना आप अपने धर्म के नायकों के प्रति सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, आप हमारे लिए भी बनिए, दूसरों के लिए भी बनिए। बिल्कुल,